चलिए आज बनाते हैं दही मसाला भिंडी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दही वाली भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ले लूँगी। एकदम फ्रेश भिंडी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। उसको जो है उसके आगे से थोड़ी सी चोंच कट करके देख लें, क्योंकि उससे पता चल जाता है ईजिली अगर कट हो जाती है तो वो एकदम फ्रेश भिंडी है। तो इसमें मैं उसका जो सिरा होता है दोनों साइड थोड़ा थोड़ा करके कट कर दूँगी। अब इसको मैं जिस हिसाब से आप दही वाली भिंडी बनाना चाहते हो, अगर आप लंबा साइज़ रखना चाहते हो तो आप लंबी काट सकते हो। मैंने एक भिंडी को 3 पीस में कट किया है। यहाँ मैं छोटा ही उसका जो पीस है वो रख रही हूँ, बड़ा नहीं काट रही हूँ, छोटा साइज़ ही इसका रख रही हूँ। आप बड़ी वाली भिंडी को 2 साइज़ में भी काट सकते हो। तो यहाँ पर मैंने भिंडी कट कर ली है और भिंडी को मैंने अंदर से भी कट कर लिया था। तो यहाँ तो भिंडी हो गई है मेरी। अब क्या कर लेते हैं, दही मसाला भिंडी बना रहे हैं तो उसमें तो दही डलेगा। अब मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ 1 कप, और साथ में उसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में स्पाइसी वाली लाल मिर्च होती है वो भी डाल रही हूँ, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया, ये सब इसमें मैं डाल दूँगी। आप भी अपने अकॉर्डिंग और भी मसाले डाल सकते हो, जीरा भी डाल सकते हो। साथ में इसमें डालूँगी मैं बेसन, बेसन का जो आटा है वो मैं इसमें तब डालूँगी, एक बढ़िया सा इसमें स्टार्च का काम करेगा, तब मैं इसमें बेसन डाल दूँगी। तो ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, बढ़िया सा लम्स नहीं रहना चाहिए, बढ़िया सा एक पेस्ट बना लेना है। अब मैं भिंडी बनाने के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़का तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करूँगी 1 चम्मच। फिर उसको बढ़िया से अच्छे से गर्म कर लूँगी, जब तक धुआं नहीं निकलेगा तब तक उसको बढ़िया से गर्म कर लूँगी। उसके बाद उसमें डाल दूँगी जीरा, हींग, आप यहाँ पे धनिया भी डाल सकते हो, धनिया जो सूखा धनिया तो वो भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने पेस्ट डाला है, अदरक और गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। उसको भी जो आपने अच्छे से पका लेना है, जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद डाल देना है प्याज, 1/2 प्याज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बढ़िया से छोटे छोटे पीस इसमें कट किया हुआ है। तो जब तक मेरा मसाला तैयार हो जाता है, तो मसाला तैयार होने से साथ ही मैं यहाँ पर जो भिंडी है उसको कर लेती हूँ फ्राई। थोड़ा सा ऑयल 1-2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है, उसमें कर दूँगी भिंडी को फ्राई। भिंडी को फ्राई करने से पहले मैं उसमें डालूँगी अदरक और हरी मिर्च का थोड़ा सा एक चॉप किया हुआ, उनको डाल दूँगी, उनसे क्या होता है एक बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब डाल दूँगी भिंडी जो मैंने कट करी हुई थी, वो भी आपने डाल देनी है बढ़िया सा एक। इसको आपने 5-6 मिनट अच्छे से पका लेना है बढ़िया। यहाँ पर जो भिंडी है वो आपकी 90-95% अच्छे से पका लेनी है, क्योंकि बाद में क्या होगा जब मसाले में जाएगी तो सिर्फ 5-6% ही उसको हम पकाएंगे, ज़्यादा उसको नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाला है और मैंने इसमें नींबू भी डाला है। नींबू डालने से क्या होता है उसमें एक लेजीनेस नहीं रहता, मतलब जो भिंडी होती है वो सुस्त नहीं पड़ जाती, बढ़िया एकदम फ्रेश रहती है। अब या जो मेरा मसाला था प्याज तो मेरे अच्छे से पक चुका था। प्याज पकने के बाद जो दही था, जो मैंने दही मसाला बनाया था, उसको मैं इसमें कर दूँगी ऐड। दही को जब आप ऐड करोगे तो फटाफट ही उसको क्या कर लेना, आपने पका लेना है ताकि वो दही फट ना जाए। अब उसके बाद उसमें जब अच्छे से उसमें तेल निकलने लग जाएगा, इसकी जो तेल है वो साइड छोड़ने लग जाएगा, तो आपने उसमें डाल देना है पानी। जिस अकॉर्डिंग आप भिंडी बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें सिर्फ 1 कप लिया हुआ था पानी, बट उसमें मेरा 1/2 कप पानी बच गया था। तो यहाँ पे 2-3 मिनट के बाद मेरा मसाला हो गया था तैयार। अब आपने ऐड कर देनी है भिंडी। भिंडी देख सकते हो आप कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसको बढ़िया से अच्छे से मसाले में कर लेते हैं मिक्स। अगर आपको दही थोड़ा सा खट्टा लग रहा था तो आप यहाँ पे शुगर भी ऐड कर सकते। मेरा दही जो था वो थोड़ा सा खट्टा था, फिर मेरी जो मसाला भिंडी का होती है, भिंडी जो थोड़ी सी खट्टी खट्टी हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी शुगर पाउडर जो होता है वही यूज़ किया था। आप यहाँ पर शुगर स्किप भी कर सकते हो अगर आपका दही खट्टा नहीं है, तो आप देख सकते हो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रेश धनिया चॉप किया हुआ उसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देना है, बहुत ही बढ़िया लगेगा, देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है, एकदम बहुत ही बढ़िया टेस्टी ये बनती है। आप भी अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसको आप किसी भी नान के साथ या परांठे के साथ या चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हो। आज तो मैंने यहाँ पर चपाती ही बनाई थी, लेकिन भिंडी जो थी मेरी बहुत ही बढ़िया बनी थी। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।